तो गाइस अगर आपके पास एक जर्मन शेपर्ड पपी है तो आपको उसका ऊपर खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा करना होता है। बट जैसे कि मंथली कितना खर्चा आता है, 1 से लेकर 4 मंथ तक कितना खर्चा आ सकता है, उसमें भी आगे आगे कौन कौन से ऐसे खर्चे जो हमें नहीं पता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि जो मेंटेनेंस का खर्चा आता है पपीज़ के ऊपर और आगे चल के क्या क्या खर्चा आने वाला है 1 से लेकर 4 मंथ तक, तो वो सब कुछ इस वीडियो में आपको उनका खर्चा बताने वाला हो, जिसके कारण आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा और आपको उसके लिए तैयार रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के एक रिक्वेस्ट ज़रूर से करना चाहूँगा कि अभी तक प्लीज़ आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो ज़रूर से कंप्लीट कर दीजिएगा यार, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, आपके रिलेटिव हो गया व्हाट्सअप इंस्टाग्राम जहाँ पर भी आप कर सकते हैं वहाँ पर ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो खर्चा होता है कभी फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है डॉग के ऑनर के ऊपर कि वो कितना खर्चा कर रहा है, उसकी पोजीशन कैसी है, उसके पास बैंक बैलेंस कितना है, उस हिसाब से वो पपी के ऊपर खर्चा करता है। तो अगर मिडिल क्लास होता है तो वो उसके हिसाब से खर्चा करता है, अगर ज़्यादा पैसे वाला है तो वो ज़्यादा पैसे खर्च करता है, वही जिनके पास लो बजट होता है कम पैसा होता है तो उनके रिश्ते वो पैसे खर्च करते हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दूं जैसे कि आपका पपी है, पपी की एज में उसका थोड़ा बहुत खर्चा ज़्यादा आएगा, बट जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी, जैसे कि एडल्ट डॉग होता जाएगा, आपका डॉग 6 महीने का हो गया, 8 महीने का, 1 साल का 2 साल का, उसके बाद जो खर्चा होता है वो बहुत कम होता रहता है। बट एक बार ही खर्चा आएगा, जैसे कि वो बीमार पड़ गया या फिर कुछ हो गया, तो उस टाइम आपको 2 या 3 हज़ार रुपये का खर्चा आ सकता है। अगर ज़्यादा सीरियस हो तो ज़्यादा भी आ सकता है, कभी कभार रिपोर्ट वगैरह आपको निकलवाने हो तो आपके पपीज़ का जो खर्चा थोड़ा सा बढ़ सकता है या फिर डॉग का भी खर्चा बढ़ सकता है अगर बीमार हो तो। बाकी जो नॉर्मल खर्चा था खाना पीने का वही जो आप खर्चा कर सकते हैं। अब बात करते हैं पपी की कि पपी घर लाने के बाद हमें कितना खर्चा आता है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो खाने की कि खाने के ऊपर कितना खर्चा जाता है। तो आप सभी को जैसे पता है कि न्यू पपी को घर का कुछ भी आप खाने को नहीं दे सकते, तो उसको सेरेलैक्स, मिल्क रिप्लेसर या फिर ऐसे कुछ चीज़ें देनी चाहिए जिसके कारण वो आराम से उसको डाइजेस्ट कर सकता है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी कि न्यू पपी को क्या क्या खाने को दे, तो आप चाहे तो ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसका खर्चा आपको जैसे कि अगर सपोज़ आप सेरेलैक्स लेते हो तो सेरेलैक्स एक डब्बा आपको 220 या 250 रुपये का आता है, या कभी कभार 180 150 का भी होता है, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है और कितना छोटा है। तो आप कभी भी उसको स्टेज 1 का दीजिएगा स्टार्टिंग में, तो उससे क्या होगा कि वो मंथ में आपको 3 या 4 पैकेट आपको उसके चले ही जाएंगे। जैसे कि एक जो पैकेट हो आपको हफ्ता में, एक हफ्ता मतलब 7 दिन चल जाएगा आराम से, जैसे कि आप 3 टाइम या 4 टाइम देते हो उस हिसाब से वो एक पैकेट ख़त्म हो जाता है। तो वो मंथली आपका खर्चा आप गिनोगे तो जैसे कि 800 या 900 रुपये के आसपास हो जाएगा। बट ये 800-900 आपको अभी मैं जस्ट बोल रहा हूँ इसलिए, बट जैसे आप कभी कभी बीच में गैप में लेते हो तो आपको इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 800-700 रुपये के जैसे मंथली में 4 या 5 पैकेट आपके आराम से चले जाएंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि पपी की भूख कैसी और कैसा वो खाता है। उसके अलावा आपको जैसे आप पपी लेते हो तो आपको डॉक्टर के पास उसका ट्रीटमेंट कराने ले जाना पड़ता है, चाहे उसको कुछ हुआ कि नहीं, पर बट आपको बॉडी चेकअप कराने आप ज़रूर ले जाए। तो उसके डॉक्टर जो है आपको 50 या 100 रुपये की जो उसकी लीवर के लिए और भूख बढ़ाने के लिए या फिर उसके हेल्थ के लिए अच्छी खासी दवाई देता है, वो आपको 200 रुपये के आसपास मिल जाएगा, वो आपका उतना जो है खर्चा होगा। उसके साथ साथ जैसे कि नॉर्मल कभी टॉय अगर लाते हो आप 50-100 रुपये का, या फिर जो पपी बाइट करने चालू कर देता है ना, फिर उसके जो दांत आते धीरे धीरे, तो उसके लिए जो बोन्स आते हैं वो छोटी मोटी आती है, वो भी 50-60 रुपये की आएगी, तो वो भी एक खर्चा आपका ऐड हो सकता है। और इसके अलावा जैसे कि आपका पपी 1 मंथ का हो, घर पे आप लेके आओ तो 1 मंथ के बाद ऐसे 15 दिन हो जाने के बाद उसका वैक्सीनेशन कराना पड़ता है, यानी टीकाकरण कराना पड़ता है। उसका वैक्सीनेशन कराने का फ़ायदा क्या होता है कि उसको कुछ भी वायरस नहीं लगेगा, आपको बाइट करता है या किसी को काट लेता है तो उसको कुछ इन्फेक्शन नहीं होगा, उस पर कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो आपको कंपलसरी वो करवाना ही पड़ता है। तो उसका जो खर्चा आता है वो उसके इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन के 3 या 4 लगते हैं, डिपेंड करता है कि डॉक्टर कितना दे रहा है, एक साथ दे रहा है, कभी कभार 2 इंजेक्शन देते, कभी कभार 4 अलग अलग टाइम में थोड़े थोड़े दिन के गैप में देते। तो एक इंजेक्शन का अप्रोक्स खर्चा होता है वो 350 से लेकर 400 रुपये तक होता है, और डिपेंड करता है कंपनी की, कौन सी कंपनी के दे रहा है उस हिसाब से प्राइस उसका तय होता है। तो 400-400, 300-300 आप काउंट करके भी देखोगे तो भी 3-4 इंजेक्शन के उसका जो पैसा आपके पास देना पड़ेगा आपको। टोटल आपको 1200 रुपये के आसपास खर्चा आएगा, उससे ज़्यादा नहीं, या फिर कभी कभार 1400 रुपये के आसपास भी आएगा, बट उससे ज़्यादा नहीं होगा। और उसके अलावा आप जैसे थोड़े टाइम हो जाता है 15 दिन उसके बाद या फिर 5-6 दिन के बाद आप जो है डिवॉर्मिंग भी करा सकते हैं। डिवॉर्मिंग की टैबलेट आपको, टैबलेट तो नहीं बट आपको लिक्विड फॉर्म में दे देगा, वो 80 रुपये या फिर 60 रुपये की दवाई आती है, वो आपका खर्चा हो सकता है।
अब जबकि एक महीना पूरा हो जाता है, 2 महीने का आपका पपी, 2.5-3 महीने का हो जाता है, उसके बाद जो है नॉर्मल आपको जो है पपी स्टार्टर फूड लाना पड़ता है। तो पपी स्टार्टर फूड अगर आप डिपेंड करता है कि कितना केजी ला रहे हो, अगर ज़्यादा केजी ला रहे हो तो आपको 1 केजी का अगर ला रहे हो तो आपको 200-300 रुपये का आसपास मिल जाएगा, और अगर ज़्यादा ला रहे हो तो उसका हाई प्राइस हो सकता है। बट वो पपी स्टार्टर फूड भी आपको एकदम से उसको खाने को नहीं देना, आपको थोड़ा थोड़ा करके उसको देना है, जिसके कारण वो ज़्यादा दिन भी चलेगा और एकदम से अगर आप देते हो तो उसका डाइजेस्ट प्रॉब्लम हो सकता है या फिर वॉमिटिंग कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके दे तो बेस्ट रहेगा। तो वो आपका मंथली खर्चा हो सकता है डॉग फूड का बस। और कभी कभी क्या होता है कि पपी जैसे बीमार पड़ गया या फिर उसको कुछ बीमारी हो गई, बुखार वगैरह हो गया, तब ज़्यादा खर्चा हो सकता है, क्योंकि इंजेक्शन के जो होते काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं डॉक्टर। चेकअप करने के 200 रुपये लेते हैं, फिर इंजेक्शन या फिर कभी कभार उसको बाटला यानी सलाइन भी चलानी पड़ती है, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा पैसा उसका हो सकता है, 1000 या 1500 रुपये के पास आसपास भी जा सकता है बजट। तो इसलिए कभी भी आप अगर पपी बाय करते हो तो ध्यान रखना कि उसके जो पपी प्राइस होता है उसके अलावा 2 या 3 हज़ार रुपये साइड में निकाल के एक्स्ट्रा ज़रूर रखिएगा इमरजेंसी के तौर पर, कि कभी भी आपके जो है पपीज़ को कुछ भी हो सकता है, बीमार हो सकता है या फिर कभी कोई उसको वॉमिटिंग हो सकती है, लूज़ मोशन हो सकता है, तो वो सारे आपको भी ध्यान रखना है। और पपीज़ को पारो वायरस ऐसी सारी बीमारी हो सकती है, तो उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप जाके वो भी वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको उसका भी नॉलेज मिलता रहेगा। और जो पपी स्टार्टर फूड होता है वो कम से कम आप जो है 2 या 3 मंथ 1 मंथ या 2 मंथ आप दे सकते हैं, फिर पपी वाला फूड आता है वो आप उसे देना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी डॉग की एज होती है उस हिसाब से आपको जो है उसको फूड देना है। अगर आप जैसे एज के हिसाब से उसको पपी फूड देते हो, डॉग के लिए अडल्ट वाला डॉग का फूड देते हो, तो वो उसमें विटामिन्स वैसे होते हैं और उस हिसाब से वो अच्छे से हेल्थ भी उसकी इंक्रीज़ होती है। तो आप जो है छोटा मोटा अभी ये खर्चे तो हो गए, उसके अलावा अगर आप जैसे कुछ लाते हो उसके लिए एक्स्ट्रा खेलने के लिए लाते हैं, या फिर उसको स्वेटर हो गया या फिर कभी कभार कुछ उसके बेड वगैरह हो गया, वो अगर आप खर्चा आप अपने तौर से कर सकते हो तो वो एक्स्ट्रा हो सकता है बेड का, या फिर जो बेल्ट का होता है वो बेल्ट का 350-400 रुपये हो सकता है, अच्छे क्वालिटी का लाओ तो वो भी होगा। तो उस हिसाब से थोड़ा छोटा मोटा खर्चा आपको होगा, बट जैसे जैसे आपका पपी बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा कम होगा। फिर वो घर का खाना भी खाएगा, कभी कभार आपके पास फूड के लिए पैसे नहीं हो तो वो घर का खाना भी आराम से खाएगा। बट जैसे एडल्ट डॉग कभी कभार बीमार वगैरह हो गया तब आपको एक साथ खर्चा आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि तब आपको 2 या 2500 रुपये जैसा आ सकता है। और पपीज़ के हेयर फॉल अगर हो गया या स्किन एलर्जी हो गई तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ सकता है, इसलिए कभी भी पपी की केयर ज़रूर से कीजिएगा, उनके बालों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और डॉग के भी अगर हेयर फॉल हो रहा है या स्किन इन्फेक्शन हो रहा है तो पहले से ट्रीटमेंट चालू कर दीजिएगा, नहीं तो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ेगा और महंगा भी पड़ेगा और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो पपी की पहले से आप केयर कीजिएगा ज़रूर से, और जर्मन शेफर्ड की बालों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उनके ऊपर। तो गाइस आशा करता हूँ आप सबको छोटी वीडियो अच्छी लगी हो, जिसके कारण जो आपको थोड़ा बहुत प्राइस का आइडिया आया होगा कि क्या क्या प्राइस लगता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।